चाहे हो प्लेसमेंट की जंग या एग्जाम की वार, सीरियली लाया है सी कक्षा नामक हथियार। हेलो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, दिस इज विकास कुमार, वेलकम टू सी कक्षा बाय सी रैली। सी रैली लाया है महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। फर्स्ट चैप्टर थी मैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। मैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स से स्टडी कर काफी थाउजेंड्स ऑफ मरीन इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स, जीएमई एस्पायरेंट्स, मरीन इंजीनियर्स ने अपनी नॉलेज इंप्रूव किया एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मोर देन 500 प्लस स्टूडेंट्स गुड रेपुटेड शिपिंग कंपनीज में प्लेस्ड भी हुए। अब ये न्यू सेशन स्टार्ट होने वाली है, महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। तो ये महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स में आपको 150 प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड की गई है, 5 प्लस टेस्ट्स कंडक्ट की गई है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मिसलिनियस सीरीज कंडक्ट की गई है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल और टुडे फर्स्ट टॉपिक है पिस्टन कूलिंग अरेंजमेंट। सो पिस्टन कूलिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन बाय टीएमई इंटरव्यूअर और बाय एनी मरीन सर्वेयर नाउअडेज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था ल्यूबॉल सिस्टम, ओके, मींस आई थिंक सेकंड लेक्चर में हमारी थी ल्यूबॉल सिस्टम, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट नाउअडेज क्या होती है, जो भी हमारे सर्वेयर एंड टीएमई इंटरव्यूअर होते हैं, स्पेसिफिकली आपको पिस्टन कूलिंग के बारे में बहुत पूछते हैं। ओके, ये बोल सकते हैं मोस्टली फ्रीक्वेंटली ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस होती है। ओके, एंड सेकंड थिंग, ओके, सेकंड थिंग मैं ये बोलूंगा, लाइक मैं जो मैराथन क्लासेस ले रहा हूं, ओके, ये टीएमई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ओके, एंड स्ट्रॉन्गली, यस आई एम स्ट्रॉन्गली एग्री, ये आपको क्लास फोर की प्रीरिक्विजिट है। ओके, यस क्लास फोर की प्रीरिक्विजिट है और बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास फोर में पूछे जाते हैं। बट अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करनी है, तो आप पूरे मैराथन लेक्चर सीरीज को देखो। ओके, तो इसलिए मैं सारी चीजें बहुत ही ब्रॉड तरीके से नहीं बताता हूं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मींस कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करके, है ना, लाइक अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन पे आऊंगा, तो ये सारी क्वेश्चन जो है ये बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ओके, सो जो क्वेश्चन मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सारी टॉपिक तो कवर नहीं कर सकता, लाइक आप सोचो इलेक्ट्रॉनिक इंजन जो कि रेयरली क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ जो ऑलवेज मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। और मैं बोल सकता हूँ इंडिया की 20 शिपिंग कंपनीज, ओके, जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में आते हैं, लाइक फ्लीट मैनेजमेंट, ओके, लाइक बीडब्ल्यू शिपिंग, ओके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट एनवाई के मर्स, ओके, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में थॉम टॉम शिपिंग स्कॉर्पियो, ओके, जितनी सारी कंपनीज आती है 20 to 25 कंपनीज, ओके, और भी बहुत सारी कंपनी है, गुडवुड वगैरह, ओके, उनके रेफरेंस लेकर मैं 25 ऑलमोस्ट कंपनीज के रेफरेंस लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, तो आप कंफ्यूज मत हो, ओके, आप पूरी थोरोली पढ़ो, आपको एट द एंड एट द लास्ट आपको बेनिफिट होगी, इतनी तो मैं आपको मीन्स गारंटी दे सकता हूँ। सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल पिस्टन इज मेड अप ऑफ टू इंपोर्टेंट कंपोनेंट। फर्स्ट वन, टॉप पार्ट जो हमारी होती है पिस्टन क्राउन एंड लोअर पार्ट जो हमारी होती है पिस्टन स्कर्ट। ओके, पिस्टन स्कर्ट। नाउ अगेन, पिस्टन क्राउन, जो हमारी पिस्टन क्राउन होती है वो हमारे स्पेशल मटेरियल से बनी हुई होती है। व्हाई? बिकॉज इट सब्जेक्ट हायर टेम्परेचर, वो बहुत ही हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर सब्जेक्ट करती है। दैट्स व्हाई जो हमारी पिस्टन क्राउन जो होती है वो हमारी स्पेशल मटेरियल से वो बनी हुई होती है। तो अगर मैं बात करूं मटेरियल्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पिस्टन क्राउन जो होती है मेड अप ऑफ हीट रेजिस्टिंग क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड एलॉय स्टील से बनी हुई होती है। इतनी आपको क्लियर है? ये इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं एंड जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, लाइक अभी तो ऑफलाइन मोड है नहीं, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। अभी स्कॉर्पियो शिप मैनेजमेंट लाइक ऐसी कंपनी और सिनर्जी जैसी कंपनी अभी क्या कर रही है, वो तो सिनर्जी तो सीबीटी होती है। ओके, तो ऐसे ऐसे रिटर्न में भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? तो पिस्टन क्राउन मटेरियल्स की क्या होती है, हीट रेजिस्टिंग क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड एलॉय स्टील। ओके,
एंड जो हमारी पिस्टन स्कर्ट जो होती है वो हमारी लोअर टेम्परेचर सब्जेक्ट्स होती है. ओके तो वहां पर हमें लाइक क्रोमियम कोटेड होनी नहीं चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ वो हमारी कास्ट आयरन होती है जो हमारी पिस्टन स्कर्ट होती है. ओके एंड यस वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लाइक आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी सीबीटी टेस्ट होती है, ओके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कोई भी शिपिंग कंपनीज की रिटर्न एग्जाम एमसीक्यू टाइप ऑफ एग्जाम होती है, तो वहां पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक मरीन डीजल इंजन कंपोनेंट मेड अप ऑफ. ओके वहां आपको ऑप्शन दी होती है क्रोमियम, ओके मोलिब्डेनम, एलो स्टील, अगेन वैनेडियम, ऐसे ऐसे बहुत सारी ऑप्शन दी हुई होती है. ओके अगर आपकी कंपोनेंट हाई टेम्परेचर सब्जेक्टेड कंपोनेंट है तो आप क्रोमियम वाले ऑप्शन एंड मोलिब्डेनम वाले ऑप्शन पे विदाउट कंफ्यूजन टिक मार्क मारो. ओके नो डाउट आपके आंसर सही होगी. ओके क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग होती है. ओके आप आंसर उधर ही जाओ. ओके क्रोमियम मोलिब्डेनम पे आंसर मारना. नाउ यस पिस्टन स्कर्ट होगी. नाउ ग्रुप जो होती है ओके अगेन मेड अप ऑफ क्रोमियम प्लेटेड. ओके नाउ अब मैं बात करूंगा कूलिंग एलिमेंट. तो आप देख सकते हो मैन बी एंड डब्ल्यू है एंड दिस वन इज सल्जर एलिमेंट. ओके नाउ सो मैन बी एंड डब्ल्यू, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड आवर पिस्टन क्राउंड. आप देख सकते हो ये हमारी पिस्टन क्राउंड है, यहां से हमारी स्कर्ट, ये हमारी स्कर्ट आप बोल सकते हो. ओके ये हमारे सल्जर में मैंने शो किया है, अब मैं मैन बी एंड डब्ल्यू में. ओके ये मैंने पिस्टन ग्रुप शो किया हुआ है. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं सल्जर इंजिन. ओके सो दिस इज आवर सल्जर इंजिन. तो नाउ दिस इज जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, दिस इज आवर सेंट्रल बोर. ओके ये मैं कहूंगा ये हमारी सेंट्रल बोर है. ओके एंड मैंने जो रेड कलर से शो किया है ये हमारी आउटर बोर है, सेंट्रल एंड हमारी आउटर. क्लियर है? ओके नाउ अब हमारी जो ऑयल जो होती है, ओके हमारी ऑयल फीड जो होती है हमारी आउटर बोर से हमारी ऑयल फीड हो रही है. ओके सल्जर इंजन में. ओके ल्यूबॉल फॉर व्हाट? पिस्टन कूलिंग. पिस्टन कूलिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज पिस्टन जो होती है हमारी क्राउन जो होती है सब्जेक्ट हाई टेम्परेचर, क्राउन जो होती है वहां पर हाई टेम्परेचर सब्जेक्ट होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयल कूलिंग. ओके हम लोगों ने ऑयल कूल किया, तो आप देख सकते हैं हमारी पैसेज है विद द हेल्प ऑफ मैं बोल सकता हूं आउटर बोर और आउटर एनवलर के थ्रू हमें ऑयल यहां फीड हो रही है. ओके यहां तक हमारी ऑयल रीच हो चुकी है. नाउ अब आप देख रहे हो ये पार्ट जो हमारी है, ओके ये हमारी इंटरनल ग्रूव है, दिस पार्ट इंटरनल ग्रूव है एंड ये हमारी नोजल है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल ग्रूव एलिमेंट यहां पर क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पर बात करेंगे. बिकॉज सपोज अगर हमारी ऑयल है, ओके ऑयल की क्या काम है? हीट रिमूव करना. ओके हीट रिमूव करेगा तो हमारे पिस्टन क्राउन हमारी कूल होगी. ओके ना ये ग्रुप से हमें क्या एडवांटेज मिलता है, हमारी जो ऑयल कूलिंग होती है ओके इजीली इंटरनल पार्ट ऑफ क्राउन को कूल कर पाती है. ओके तो आप देखोगे ये हमारी क्या है, ये नोजल है जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ये हमारी नोजल है. अब नोजल की क्या काम होती है, आउटर एनवलप के थ्रू हमारी ऑयल रिच की टॉप पर. नाउ अब हमारी नोजल के थ्रू क्या करेगी, नोजल के थ्रू हमारी ऑयल जो होगी स्प्लैश होगी विद द हेल्प ऑफ नोजल, स्प्लैश होगी एंड ये हमारी ग्रुप को रिच करेगी, जिससे हमारी इंटरनल पार्ट जो हमारी क्राउन की इंटरनल पार्ट जो होगी हमारी कूल होगी. ओके मीन्स हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है विद द हेल्प ऑफ ग्रुप. नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्रुप मैं बोल सकता हूं मैं पिस्टन क्राउन की इंटरनल पार्ट्स को कूल कर सकता हूं, इजी कूलिंग होगी. क्यों? क्योंकि हमारी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आप देख सकते हो तो हमारे हीट ट्रांसफर जो होगी, हमारी थिकनेस रिड्यूस हो जा रही है तो हमारी हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगी. अगर हमारी ग्रुप नहीं होती, सपोज ये हमारी क्राउन यहां तक होती, ओके हम लोगों ने ग्रुप सपोज प्रोवाइड नहीं किया है तो हमारी ऑयल कूलिंग यहां पर हमारी ऑयल कूल होती, यहां पर हमारी ऑयल स्प्लैश होती, थिकनेस हमारी इतनी है, हीट ट्रांसफर हमारी रिड्यूस हो जाती. तो ग्रूव अरेंजमेंट अगर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया तो यहां पर हमारी क्या होगी, हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि हमारी थिकनेस डिक्रीज हो चुकी है एंड ये इजीली इंटरनल पार्ट को हमारी क्राउन को कूल कर पाएगी. इतनी आपको क्लियर है? कूल करेगी उसके बाद आप देख सकते हो
कूल करने के बाद हमारी स्प्लैश होगी, ओके अब हमारी कूल हो रही है। अब आप देख सकते हो जो रिटर्निंग लाइन होगी ये हमारी सेंट्रल बोर के हेल्प से हमारी क्रैंकेस ऑयल और सैंप में हमारी जाकर मींस एक्युमुलेट हो जाएगी। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सल्जर टाइप ऑफ इंजन, पिस्टन कूलिंग इंजन। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सल्जर पिस्टन कूलिंग। ओके नाउ अब मैं बात करूंगा मैन बीएमडब्ल्यू एमसी इंजन। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारी लाइक मैं बोल सकता हूं ये हमारी इनर एनुलर है। ओके दिस इज आवर इनर बोर। ओके इनर एनुलर। ओके सो हमारी ऑयल यहां से ऐसे जाएगी। ओके एंड यहां पर हमारी ऑयल जो होगी एक्युमुलेट होगी। क्लियर? जैसे ही हमारी पिस्टन बीडीसी पे जाएगी, ओके जैसे ही हमारी पिस्टन बीडीसी पे जाएगी जो भी हमारी ऑयल एक्युमुलेट है इस रीजन पे वो हमारी स्प्लैश होगी एंड हमारी पिस्टन क्राउन को कूल करेगी, मींस हमारे पिस्टन क्राउन की हीट ऑब्जर्व करेगी। ओके अब दूसरे लेवल जो बोलूंगा तो हमारी पिस्टन क्राउन जो है हीट रिजेक्ट करेगी एंड हमारी लुबोइन जो है हीट ऑब्जर्व करेगी एंड हेंस पिस्टन क्राउन कूल। ओके एंड हमारी पिस्टन क्राउन कूल होगी कब? जब हमारी पिस्टन बीडीसी पे जाएगी तो हमारी ऑयल यहां एक्युमुलेट होगी, वो हमारी स्प्लैश होगी जिससे हमारी पिस्टन क्राउन कूल होगी। ओके एंड नाउ अब जो भी हमारी ऑयल होगी आप देख सकते हो यहां से हमारी ऑयल फ्लो होगी एंड आप देख सकते हो यहां से हमारी सम्प पर रीच करेंगे। ओके और मैं इसे बोलूंगा आउटर एनुलर। क्लियर है? ये हमारी इनर एनुलर के थ्रू हमारी इंटर हुई, पिस्टन हमारी बीडीसी पे गए, स्प्लैश हुई, क्राउन कूल हुई। ओके एंड ये आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ आउटर एनुलर हमारी ये सम्प पर जा रही है। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे यहां ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि उतनी मतलब आई डोंट थिंक टीएमई में उतने पूछे जाते होंगे। ओके बट फिर भी मैंने आपको बेसिक बता दिया। टीएमई में इतना ही पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप पिस्टन कूलिंग अरेंजमेंट बताओ, तो आप अगर ग्रुप वाले बता रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट सल्जर इंजन है एंड आप ये मैन बीएमडब्ल्यू वाले अडॉप्टेड मेथड बता रहे हो तो आप बी सी और हमारी ये मैन बीएमडब्ल्यू पिस्टन कूलिंग अरेंजमेंट है। इतनी आपको क्लियर है? सो इन मैन बीएमडब्ल्यू जो हमारे क्राउन जो होती है वहां पर हमारी इकोनेल कोटिंग होती है, 8 mm थिक इकोनेल कोटिंग होती है। जो आप देख रहे हो ये हमारी क्राउन जो है यहां पर इकोनेल कोटिंग होती है हमारी मैन बीएमडब्ल्यू। ओके सो इकोनेल कोटिंग जो होती है सपोज उसे मैं क्या करूंगा मीन्स लाइक मैं बोल सकता हूं रेगुलर मेजर करूंगा उसकी थिकनेस को। ओके एंड अकॉर्डिंगली एज पर मैनुअल अगर उसकी थिकनेस एक रिक्वायर्ड थिकनेस अगर लेस होती है तो हमें इकोनल कोटिंग को पूरी रिमूव करनी होगी एंड री इंस्टॉल करनी होगी। ओके तो हमारी यहां पर इकोनल कोटिंग होती है। ओके क्लियर है इतनी? सो इकोनल कोटिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू प्रोवाइड वियर रेजिस्टेंस। ओके टू प्रोवाइड वियर रेजिस्टेंस। सी कक्षा .crenly.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप ये कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं, वहां पर आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। सो सीरेनली की एक ही एम है गेट प्लेस्ड सून। स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड। रिगार्ड्स विकास कुमार एंड टीम सीरेनली। थैंक यू।